Hello everybody, welcome to Flight Pro. You're watching Microsoft Flight Simulator और आज हमारी फ्लाइट जाएगी इंडिया, पेरिस से इंडिया। ये आप देख रहे हैं आईफिल टावर। आईफिल टावर इज इन पेरिस, पेरिस इज इन फ्रांस। आज हम एयर फ्रांस फ्लाई करेंगे ड्रीमलाइनर 787-10 माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाने की। ये पूरा जो पेरिस है ये हैंडक्राफ्टेड है। डिफरेंट अपडेट्स ओवर द टाइम माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में आए हैं, उनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज डेवलप हुई हैं, यूरोप की इंक्लूडिंग यूके, यूएस एंड जापान। जापान का भी वर्ल्ड अपडेट आया है। सो इसमें जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट इसी तरह की है रियल वर्ल्ड में भी, और इतनी ही खूबसूरत है जितनी इसमें दिख रही हैं। क्योंकि मैंने बहुत रेजोल्यूशन लो किया हुआ है, इस वजह से आपको बहुत अच्छा रेजोल्यूशन इसका नहीं दिख रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज मैंने AIG ट्रैफिक भी अभी लोड किया है इसमें, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लैग फेस करना पड़ रहा है पूरे गेम को। बट जितना भी हो पा रहा है मैं आपको ज़रूर दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स। और कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं पेरिस के, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर देखें। अगर आप असल में पेरिस घूम चुके हैं या कभी गए हैं पेरिस, Do let me know, comment in the comment section below, और मुझे आप बताइए आप कहाँ कहाँ गए थे पेरिस में। और उसी के साथ हमने subscriptions भी शुरू कर दिए हैं, so if you guys want to subscribe and join, I have 3 subscriptions available. You can select your subscription according to your need. Let's jump into our aircraft now. All right guys, this is our airport, Charles de Gaulle Airport. ये हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये AIG ट्रैफिक है। AIG ट्रैफिक तो है बट इसमें थोड़ा सा एयरक्राफ्ट की जो लिवरी का जो टेक्सचर है वो गड़बड़ है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पर बार बार एयरक्राफ्ट आ रहा है और जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस मॉड AIG ट्रैफिक। यहाँ पर अपने आप पुश बैक करके टैक्सी भी करते हैं एयरक्राफ्ट और टेक ऑफ भी करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा है एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके गया। 2 एयरक्राफ्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि लाइन में है, कतार में है, जो टेक ऑफ करेंगे यहाँ से, और हम भी यहाँ से ही टेक ऑफ करेंगे। 26 राइट हमारा डिपार्चर रहेगा, और PILU 5B डिपार्चर रहेगा हमारा। वैट सिम मैंने कनेक्ट किया हुआ है, आई कैन शो यू वैट सिम, हेयर इट इज, फ्लाइट प्लान इज एडेड। ये हमारा हमारे लिए नहीं है, ये लंदन का है। लेट मी शो यू, ये लंदन का टावर शो हो रहा है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, और एयरक्राफ्ट साइन रहेगा हमारा जो कॉल साइन है AF226, एयर फ्रांस 226। ये देखिए ये टेक ऑफ करने के लिए रेडी हैं, और मैं आपको एयरक्राफ्ट के साथ साथ एयरपोर्ट का भी थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए दिस इज़ द एयरपोर्ट, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया है। और रैम कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है AIG ट्रैफिक में, 16 GB रैम है मेरी, बट बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है पूरा का पूरा गेम, और ओवरलोडेड है इस टाइम पर। एंड यू कैन सी दी लिवरीज, उसमें लिवरीज में थोड़ा सा गड़बड़ है, हर एक लिवरी में ही है। आई नीड टू चेक दिस आउट। और काफ़ी सारे टर्मिनल्स हैं, इस तरफ भी है एक टर्मिनल और इस तरफ भी है एक टर्मिनल।
यहाँ पर भी है, आई थिंक ये कार्गो के लिए है स्पेशली, इधर भी है एक, प्लस ये एक टर्मिनल है इस तरफ, यहाँ एक बीच में टर्मिनल है, इस तरफ है एक टर्मिनल यहाँ पर, और एयर फ्रांस 226 जो कि रियल वर्ल्ड कॉल साइन भी है, यू गाइस कैन चेक। हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ है और गेट नंबर L34 पे से डिपार्ट की है, ये L33 है, ऑलमोस्ट हमें L34 मिला नहीं, तो ये L33 है, यहाँ से हम डिपार्ट करेंगे। 10:30 का डिपार्चर रहता है, बट अभी थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, 10:30 अभी बज ही चुके हैं, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर बोर्डिंग नाउ, क्विकली बोर्डिंग करते हैं और पुश बैक करने के लिए रेडी रहेंगे। बोर्डिंग हैज नाउ स्टार्टेड, चलते हैं कैबिन में, कॉकपिट प्रेशंस करते हैं, चेकलिस्ट कंप्लीट करते हैं, एपीयू वगैरह मैंने ऑन कर लिया था, फ्लाइट फैन लोडेड है, 8.5 घंटे की फ़्लाइट रहेगी और इस टाइम इंडिया में 4 बज रहे हैं, हम इंडिया में 11 बजे तक पहुँचेंगे, सो लेट्स जंप इनटू कॉकपिट। बिफोर स्टार्टअप चेकलिस्ट, सीट बेल्ट में साइन ऑन कर देता हूँ, सॉरी सीट बेल्ट साइन ऑन है, NTIS में ऑटो पे कर देता हूँ, फ्यूल क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, आज काफ़ी 75% हम फ्यूल लेके जाएंगे, ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है इसलिए। ड्रीमलाइनर काफ़ी लॉन्ग रेंज फ्लाइट्स कर सकता है, सो फुल फ्यूल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इंजन थ्रॉटल हमने चेक कर लिया है, मैंने अपने TCA जॉयस्टिक और थ्रॉटल क्वाड्रेंट को इससे अटैच कर लिया है, सो दैट्स ओके। इंजन एरिया इज क्लियर, ऑटो ब्रेक सेट टू रिजेक्टेड टेक ऑफ हम करेंगे बाद में। NTIS हो गया है ऑटो पर, QNH 1022 सेट कर लिया है, QNH 1022 यहाँ पर भी और इधर भी। फ्लाइट प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लाइट प्लान हमारा रेडी है, डिपार्चर रहेगा PILU 5B डिपार्चर रहेगा हमारा, लेग्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए PILUL पिलुल डिपार्चर रहेगा, उसके बाद हम जाएंगे ये कुछ वे पॉइंट्स पे, और मैं आपको अगर अच्छे से दिखाऊं तो मैं वोलेंटा पे दिखा सकता हूं, दिस इज़ गोना बी आवर डिपार्चर, ये डिपार्चर रहेगा हमारा PILUL, उसके बाद जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ, हम जर्मनी के ऊपर से, जर्मनी चेक रिपब्लिक है इस तरफ, स्लोवाकिया, रोमेनिया, उसके बाद ये है आई थिंक अजरबैजान, नहीं ये मुझे पता नहीं कौन सी कंट्री है इधर, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड देन LKA से हम, ये हमारा स्टार है, स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल, LKA AKBAN ये हमारा स्टार में आता है, सो हम यहाँ पहुँचेंगे 8 घंटे के बाद। ऑलराइट, लेट्स मिनिमाइज दिस, पैसेंजर्स आज जा रहे हैं हमारे साथ, 4 केबिन है, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी एंड इकोनॉमी, एंड अगेन मैंने जो पूल किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूल के हिसाब से मैक्सिमम पेरिस टू दिल्ली
मुझे वोट्स मिले हैं, सो आई एम डूइंग पेरिस टू दिल्ली। बाकी दो जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन हम नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं, सो मॉरिशियस या फिर म्यूनिक, ये दो ऑप्शंस हम नेक्स्ट वीक के लिए रखेंगे। सो फ्लाइट डायरेक्टर ऑन करता हूँ मैं यहाँ पर, फ्लाइट डायरेक्टर इज़ ऑन, इसको सेट करता हूँ मैं 250, बिकॉज हमारा जो सिड है वो 280 मैक्स चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नेविग्राफ चार्ट्स में, यहाँ पर लिखा है पिलुल तक मैक्स 280 नॉट्स तक रहना चाहिए, और 250 हमने सेट कर लिया है, 117.05 PGS, 117.05 ये हमने सेट कर लिया है, 117.05। और राइट, ये पेरिस का VOR है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेट, गेट्स बंद करता हूँ, वी आर डन विद आवर बोर्डिंग, जेटवे डिस्कनेक्ट करते हैं और केटरिंग हटाते हैं, बैगेज हटाते हैं। सो दिस इज़ अ वंडरफुल AIG ट्रैफिक मॉड, जिसमें आपको टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह दोनों दिखेगी। ये देखिए, हम भी यहीं से टेक ऑफ करने वाले हैं, सो दिस इज़ गोना बी प्रीटी एक्साइटेड फॉर मी। चलिए जी, कॉकपिट में चलते हैं और बीकन लाइट ऑन कर लेता हूँ, नेविगेशन लाइट भी ऑन करते हैं, और क्या बचा है हमारे लिए, IFR क्लियरेंस रिक्वेस्ट, वी कांट डू दैट। ऑलराइट, बिफोर स्टार्टअप चेकलिस्ट इज़ नाउ कंप्लीट, पुशबैक करते हैं। ऑलराइट, लेट मी शो यू, वी आर हेयर, ये एल स्टैंड एल है इस तरफ, और यहाँ से हम टूवर्ड्स साउथ फेस करेंगे, और यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे, यहाँ से सीधा जाके इस जंक्शन से यहाँ से सीधा जाएंगे इधर, या फिर इस तरफ से भी जा सकते हैं, क्योंकि सारे जने इसी तरफ फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एग्ज़िट लेके इस तरफ जा सकते हैं, एंड देन वी कैन फॉलो दिस पाथ। ऑलराइट, सो हम यहाँ से जाएंगे इस तरफ, एंड देन यहाँ से सीधा इस तरफ से लेफ्ट। प्लीज रिलीज पार्किंग ब्रेक। ऑलराइट, लेट्स रिलीज पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक रिलीज्ड, पार्किंग ब्रेक्स आर रिलीज्ड, commencing pushback, you can start the engines in sequence. All right, start in the sequence, we'll start engines in the sequence. Dono starters on kar diye hain, aur yahan hum engine karte hain, right wala ya on aur left wala on. All right, chalte hain bahar. Thank you so much for your services, sir. All right, we are set. Map पे क्लिक कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं बिल्कुल ग्राउंड पर, क्योंकि हमने यहाँ से लेना है लेफ्ट, और ये वाला पाथ से हम जाएंगे रनवे 26 राइट पर। All right, रनवे लाइट्स ऑन, टैक्सी लोगों विंग लाइट की ज़रूरत है नहीं है, पैसेंजर सीट बेल्ट साइन इज़ ऑलरेडी ऑन, फ्लैप्स करते हैं डाउन, ओके फ्लैप्स All right, APU जनरेटर बंद करते हैं, APU की अब जरूरत नहीं है, इंजन
कंप्लीट चल रहे हैं, इंजन पे सारा लोड आ चुका है, फ्यूल पंप्स आर ऑन, एपीयू मास्टर नॉब इज आल्सो ऑफ, इसको रिजेक्टेड टेक ऑफ पे कर देते हैं और क्विकली टैक्सी करते हैं यहाँ से। फ्लाइट कंट्रोल्स चेक कर लेते हैं क्विकली, फुल लेफ्ट, फुल राइट, सेंटर, फॉरवर्ड, बैक, सेंटर, रडर ट्रिम लेफ्ट, रडर ट्रिम राइट, सेंटर, परफेक्ट। लेट्स रिलीज पार्किंग ब्रेक एंड स्टार्ट अवर टैक्सी। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर दिस फ्लाइट। पार्किंग ब्रेक लगा लेते हैं यहाँ पर, और प्रॉब्लम इज़ इस तरफ से भी एयरक्राफ्ट जा रहा है, इस तरफ से भी जा रहा है, सो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम शायद रहता ही है, क्योंकि वैक्सम से भी कनेक्टेड हूँ मैं, प्लस AIG ट्रैफिक अपना अलग ही चल रहा है। ये देखिए, यू कैन सी द टेक ऑफ, इसके बाद हम टेक ऑफ कर लेंगे नो मैटर वॉट। Let's line up on the runway. Thrust देते हैं थोड़ा सा। Alright guys, if you haven't subscribed to my channel, I will request to consider subscribing now and hit the bell icon so that you will get upcoming notifications. ये देखिए, एक एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है और AIG ट्रैफिक लोड करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गेम बहुत लैग कर रहा है। Really not sure इसको कैसे ठीक किया जाए। सिर्फ एक वही रैम की ही प्रॉब्लम है, हालांकि 16 GB रैम है, बट स्टिल फॉर दिस मॉड इट इज़ डिफिकल्ट। ऑलराइट, एवरीथिंग इज सेट, लेट्स गिव फुल थ्रस्ट। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। लेट्स टेक ऑफ। एटी नॉट्स Cross-checked. V1. Rotate. Positive climb, gear up.
All right, flaps up. All right, guys, we have left Paris. BNAV, LNAV, AP on. Alright, we are maintaining 250 knots and we are going to take left from here. ये देखिए अगर मैं zoom in करूँ तो मैं आपको दोबारा से Eiffel Tower दिखा सकता हूँ. ये देखिए ये रहा Eiffel Tower. और एट थाउजेंड फीट तक अब हम आ चुके हैं. यहाँ से बाहर जाने के बाद लेट मी सी व्हाट इज गोइंग टू बी आवर ऑल्टीट्यूड. शायद ऑल्टीट्यूड रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है या नहीं. ऑल्टीट्यूड रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं दिया हुआ यहाँ पर, बट खाली स्पीड रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है विच इज़ फाइन. इसमें लिखा है फ्लाइट लेवल 10,000 और बिलो मैक्स 250 विच इज़ देयर. 250 तो है ही हमारी फ़िलहाल. चलिए क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड रहेगा आज हमारा 43,000 फीट का. सो आई एम जस्ट पुटिंग 43,000 फीट हियर बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इसलिए हमारा जो ऑल्टीट्यूड है वो ऑड नंबर्स में रहेगा. कुछ थोड़े से नज़ारे मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड सिलेक्ट करेंगे. 43,000 फीट मैंने सिलेक्ट कर लिया है. अब हियर इट इज़ 43,000 फीट एंड वी आर गोइंग आउट फ्रॉम Charles de Gaulle and Paris. Now, since we are going up, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा 9,000 feet रह गए पे हैं हम इस टाइम पर. और यहाँ से हम लेंगे राइट इस तरफ और थ्रस्ट्स जो हैं वो 85% पे काम कर रहे हैं. 43,000 फीट हम अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं. अब क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड के लिए अब 240
250 से अबव हम रह सकते हैं, यानी कि 280 रह सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर, मैं पहले तो लाइट ऑफ करता हूँ, रनवे लाइट्स और टैक्सी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। लोगो और विंग की ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर सीट बेल्ट साइन इज ऑफ। सो वी कैन बी एट 280। रीज़न बीइंग, यहाँ पर 280 दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मैक्स 250 नॉट्स बिलो फ्लाइट लेवल 10,000 एंड मैक्स 280 एट और अबव फ्लाइट लेवल 10,000। FL 100 यानी कि फ्लाइट लेवल 10,000 एंड देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पिलुल PILUL। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू टेक लिटिल टूवर्ड्स लेफ्ट। इसको हम कर देते हैं स्टैंडर्ड पर। आई थिंक ये स्टैंडर्ड होगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड होता नहीं है, बड़ी समस्या है इसकी। सो आई एम गोइंग टू सेट 1013 एज स्टैंडर्ड HPA। यहाँ पर भी और इस तरफ भी। अच्छा, इस ये भी तो करना रह गया है, 1013 कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं है, ये क्लिक होता नहीं है स्टैंडर्ड पे। और आई कैन शो यू दिस इज़ आवर फ्लाइट प्लान। बिल्कुल ठीक फ्लाइट प्लान पे जा रहे हैं हम। यहाँ से हमने टेक ऑफ किया है चार्ल्स डे गॉल, और स्टैट्स में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज़ 11:45 जूलू। ये हम ऊपर जाते जा रहे हैं 20,000 फीट पर अब हम आ चुके हैं। ये गलत दिखा रहा है टाइम रिमेनिंग 5 मिनट्स, वी कैन इग्नोर दैट। क्लाइंब आउट चेकलिस्ट में इंजन इंस्ट्रूमेंट्स वी आर चेकिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर चेक्ड। पोस्ट टेक ऑफ चेकलिस्ट में ऑटो थ्रॉटल कर दिया था हमने आम। टैक्सी लैंडिंग लाइट्स फ्लैप्स वगैरह सब ऊपर हो चुके हैं, एवरीथिंग इज सेट। यू गाइस कैन एंजॉय द फ्लाइट नाउ। 8.5 घंटे की फ़्लाइट मैं ज़रूर पूरी करूँगा। दिस इज़ वॉट वी हैव as vet sim. Plus I can show you this is AIG manager, these are the liveries I have downloaded. This is another tool jo AI traffic ko inject karta hai, aur these are the liveries abhi filhal ke liye Air France maine download kiya hua tha, American Airlines, British Airways aur ye kuch Indian liveries bhi hain isme. But to be honest, गेम बहुत लैग होता है। अगर आपकी रैम कम है, 16 GB तक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके गेम के लिए। सो दिस इज़ अप टू यू गाइस, इफ़ यू वांट टू चूज़ AIG ट्रैफिक एज द AI ट्रैफिक इंजेक्टर, और यू कैन गो विद द नॉर्मल AI ट्रैफिक मेड बाय MSFS। So I need to think about it. Abhi, this is the first flight I am taking with AIG traffic. Alright guys, you can enjoy the flight. I will see you guys in couple of minutes. Beech beech mein aapko main videos dikhata rahunga aur journey dikhata rahunga kahan tak pahunche hain hum. Since this is also active, so I need to be active as well. वैक्सीम एक्टिव है और हमें भी एक्टिव रहना पड़ेगा। सो गाइज, वी आर फ्लाइंग अबव स्लोवाकिया एंड
It's been quite a time. और हंगरी के पास से जा रहे हैं स्लोवाकिया के ऊपर, और उसके बाद कुछ ही देर में हम रोमानिया क्रॉस करेंगे। मेरे ख्याल अभी है एक घंटा तो है यहाँ पर रोमानिया क्रॉस करने के लिए। उसके बाद ब्लैक सी के बाद हम कैस्पियन सी पहुँचेंगे। एंड करंट टाइम इज़ 12:49, यूटीसी टाइम है 11:49। ऑलराइट, रोमानिया क्रॉस कर रहे हैं अब हम, और ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक सी, दिस इज़ ब्लैक सी। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिस इज़ रोमानिया, दिस इज़ मोल्डोवा, और ये ओडेसा के ऊपर से दिस इज़ ब्लैक सी। और अभी काफ़ी समय है इंडिया पहुँचने के लिए। All right, we are above Georgia. Georgia के पास में कोई छोटी सी जगह है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और इसके बाद अब Caspian Sea क्रॉस करेंगे हम। अभी सफ़र बाकी है, काफ़ी सफ़र हमने तय कर लिया है यहाँ से। और आपने अभी खूबसूरत सनसेट देखा, मिलते हैं कुछ घंटों के बाद। ऑलराइट गाइस, वी आर अबव अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं अब हम। काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका है, अब रफली अराउंड 1.5 घंटा बचा है पहुंचने के लिए, और 1 घंटे समथिंग हम पाकिस्तान के ऊपर से क्रॉस कर जाएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे 640 की रेंज है, 640 नॉटिकल माइल्स, और ये हमारा एयरपोर्ट दिख रहा है LKA, ये आपको दिख रहा है LKA, और ये हमारा स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल रूट है स्टार,
और ये हमारा एयरपोर्ट है. सो वी आर गोना वेट फॉर सम टाइम एंड आई विल बी बैक. वेलकम बैक. वी आर रीचिंग AKBAN. हम AKBAN पहुंच रहे हैं. लेट मी स्टार्ट माय डिसेंट. लेट मी पुट इट 9,000. सीट बेल्ट साइन इज नाउ ऑन. NTIs मैंने बंद कर दी है, जरूरत नहीं NTIs की. सो वी आर रीचिंग AKBAN. यहाँ से हम जाएंगे DP510 और DP510 से हम लेंगे राइट और इस तरफ से हम जाएंगे अपने रनवे के लिए. रनवे 29 अराइवल रहेगा आज हमारा. और इसके साथ साथ मैं ये चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ. सो ILS DME 110.9 23 का फाइनल कोर्स रहेगा हमारा. इस तरफ से हम आ रहे हैं और एयरपोर्ट एलिवेशन इज 778, रनवे एलिवेशन इज 752. ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं ATC के लिए, प्लस ये ATIS के लिए दिया हुआ है. रनवे 29 अराइवल इन दिल्ली. वेरी मच एक्साइटेड टू लैंड इन दिल्ली वंस अगेन. थैंक यू सो सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लेट मी शो यू माय फाइनल कोर्स. 2600 पर हमें रहना है. हमें ग्लाइड स्लोप जो कैप्चर करना है, लोकलाइजर एंड ग्लाइड स्लोप, ये हम कैप्चर करेंगे 2600 फीट पर. प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर्स हमें इस तरह के दिखेंगे. ये जो मिस्ड अप्रोच के लिए दिया हुआ है, क्लाइंब स्ट्रेट अहेड, पासिंग 1300 फीट, टर्न लेफ्ट, एस्टेब्लिश R250, DIG, क्लाइंबिंग 2600, क्रॉस D12 एंड देन टर्न लेफ्ट, प्रोसीडिंग CHIVOR. ये CHIVOR यहाँ पर आपको चक्कर लगाना है. फ्लाइट लेवल 70 विच इज 7000 फीट और एज डायरेक्टेड. ऑलराइट, खूबसूरत व्यू आपके लिए. ये देखिए चांद, ब्यूटीफुल. और इससे अच्छी साइट कोई नहीं हो सकती टू बी ऑनेस्ट. किसी भी गेम में इस तरह के व्यूज मैंने कहीं नहीं देखे. दैट इज द ओनली रीजन आई लव माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर. आई नो इट नीड्स डिवेलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, बट इससे सुंदर व्यूज आपको किसी गेम में नहीं मिल सकते. और इसी वजह से ये गेम इतना पॉपुलर हुआ है. ऑलराइट, स्पीड, लेट मी चेक माय स्पीड एज पर दी चार्ट. इसको भी पिन कर लेते हैं. और ये जो पेरिस के थे इनको अनपिन कर लेते हैं. इनिशियल अप्रोच, लेट मी शो यू. यहाँ पर हमने डायरेक्ट DP510 क्लिक कर लिया. सो हम थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट पे जा रहे हैं. मैक्स 210, फ्लाइट लेवल 10,000 से नीचे 210. सर लेट मी रिड्यूस इट टू 220 एज ऑफ नाउ. 220 कर देते हैं अभी फ़िलहाल, उसके बाद हम करेंगे 210.
क्योंकि हम 10,000 से ऊपर हैं फिलहाल। फ्लैप्स करते हैं 1, फ्लैप्स 1 कर लिया है, फ्लैप्स करते हैं 5। ऑलराइट, कुछ ही देर में हमारी चेकलिस्ट शुरू होगी, अप्रोच चेकलिस्ट। उसमें लैंडिंग लाइट्स, ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर इज ऑलरेडी सेट, मैंने ऑल्टीमीटर सेट कर लिया है 1021। नेविगेशन रेडियोज अट्यून्ड, लोकलाइजर हम एक्टिव करेंगे, अभी टाइम है लोकलाइजर एक्टिव करने में। इंजन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इंजन हमारे फर्स्ट क्लास चल रहे हैं दोनों के दोनों। ऑलराइट, लेट्स गो बैक। And then we are going to do our flaps down, then landing gear, then auto brake. अब auto brake almost time आ ही गया है, auto brake कर लेते हैं set, auto brake 2 पर set करते हैं, ये auto brake, यहाँ पर different modes दिए हुए हैं depending on the runway and depending on the runway conditions, weather conditions. Max auto brake, ये 3 पर है, ये 2 पर है, so we can set 2. All right, this is set. आपकी तो checklist मुझे याद ही है। Let's reduce it to 200. ये आपको एयरपोर्ट दिख रहा होगा यहां पर, show you from here. This is Delhi or Delhi NCR. Okay, इसको set करते हैं हम 2600 is set. सर से नीचे जा रहे हैं। नाउ लैंडिंग लाइट्स, रनवे लाइट्स, टैक्सी लाइट्स। ऑलराइट, इसको हटा देते हैं। ऑलराइट, आई नीड टू कंसंट्रेट। Flaps down. All right, one final turn. लाइट डिम कर देते हैं हम।
flaps down. Flaps 20. Flaps 25. Sorry, flaps 20 ke baad seedha flaps 30. Flaps 25 hona chahiye waise. All right, we have captured our glide slope. Now we are going down. We're 5 miles from the runway. Landing gear. Right, landing gear is down now. All right. Approach checklist is complete. Landing checklist, auto throttle. 500 above ground, auto throttle disconnect, autopilot 300. ठीक है जी, auto throttle ये है, auto throttle disarm कर देंगे और autopilot disarm कर देंगे. थोड़ा सा हम नीचे जा रहे हैं. Okay, auto throttle disconnect. Checked. Auto pilot disconnect. 200. 100. Manual flying. Idle. 20, 10. All right, touchdown. Reverses. Reverses, bhai, reverses. Reverses on hi nahi hua bhai. Oh. Reverses shayad maine configure hi nahi kiya hua. Oh. All right. Isko bhi kar dete hain. पीछे. ओके, रिवर्सर्स आई थिंक कॉन्फ़िगर हुए थे, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड, बट दैट्स ऑलराइट. वी हैव लैंडेड सक्सेसफुली. आई वेलकम यू ऑल टू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. लेट्स मूव आउट नाउ. थोड़ा सा थ्रस्ट देते हैं यहाँ पर एंड लेट्स मूव आउट फ्रॉम कौन से टैक्सी वे से यही वाले पाथ से हम जाते हैं बाहर. यहाँ से जाते हैं बाहर एंड नाउ वी विल कनेक्ट टू आवर ग्राउंड. यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं. कैबिन में ही चलते हैं क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा क्लियर होंगी चीज़ें. लाइटें ऑन करते हैं. ओके, स्ट्रोब लाइट ऑफ, लैंडिंग लाइट्स ऑफ, सीट बेल्ट साइन अभी चलने देते हैं. लोगो एंड विंग हटा देते हैं. नेविगेशन एंड बीकन रहने देते हैं ऑन. ऑलराइट, थोड़ा सा थ्रस्ट और देते हैं.
एंड देन मेरे ख्याल इस तरफ से जा सकते हैं, इस तरफ से ही जाना चाहिए था हमें, थोड़ा सा थ्रस्ट देते हैं। सो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो, फ्लैप्स अप करते हैं अब। फ्लैप्स की अब जरूरत नहीं है, फ्लैप्स अप। दिस इज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेट मी शो यू अराउंड हाउ इट लुक्स। पार्किंग करते हैं क्विकली। सो दिस इज द एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच ऑलमोस्ट looks like this. This is a custom airport. I'll put the link in my description so that you can check. Do let me know kaisi lagi aapko ye video, and I will see you guys in the next one. Later.